सो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मेरे वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा आजकल यही एक कमेंट आ रहा है कि मलेशिया का अभी हालात क्या है, मलेशिया में काम करने वाले को क्या पैसा नहीं दिया जा रहा है क्या टाइम टू टाइम, या मलेशिया में जो काम कर उनको टाइम टू टाइम खाना नहीं दिया जा रहा है क्या। ऐसे काफ़ी ज़्यादा मेरे वीडियो पर कमेंट आ रहा है, और साथ ही में मेरे वीडियो पर यह भी कमेंट आ रहा है मलेशिया का वर्क वीज़ा चालू होने वाला 15 जून से, तो क्या 15 जून से मलेशिया का वर्क वीज़ा चालू होगा क्या। तो बस आज के इस वीडियो को आप लोग देखिएगा ताकि आप लोग को नॉलेज मिल जाएगा कि आप लोग मलेशिया भी आना कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है, और ये 15 जून से मलेशिया के वीज़ा चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस आज की इस वीडियो में यही जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मलेशिया का अभी हालात क्या है। मलेशिया में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, रहने के लिए रूम नहीं मिल रहा है, और उन लोग का बहुत ही बुरा हाल है। उनको एजेंट लोग इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल सभी देश से ला दिया है मलेशिया के अंदर। मलेशिया के देश में आने के बाद काम नहीं मिल रहा है, तो देखिए वो उन लोग के साथ में हो रहा है। मैं आप लोग साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ जो कि मलेशिया में इम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे नहीं आए हैं, और वो लोग आए हैं मलेशिया के अंदर टेम्प्रोरी वीज़ा जो होता है विजिट वीज़ा उसके ऊपर में आए हैं, तो उन्हीं लोग को ये सब दिक्कत हो रहा है अभी मलेशिया के अंदर में। उन लोगों को टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं मिल रहा है, और काम मिल भी रहा है तो मतलब अधिकतर लोगों को तो काम ही नहीं मिल रहा है। अधिकतर लोग ऐसे हैं कि मंथ में 10 दिन काम भी करते हैं, उनको टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं मिल रहा है, रहने के लिए दिक्कत हो जा रही है। एक रूम में वहाँ पे कंटेनर टाइप का रूम बना दिया जा रहा है, उसमें 10 आदमी 15 आदमी को ऐसे रखा जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो बस वही लोग ऐसे वीडियो बनाकर अभी अपलोड कर रहे हैं, आप लोगों को देखने को मिल रहा है फेसबुक की मदद से कि मैं मलेशिया में हूँ और फंस गया हूँ, हमको यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, आप लोग मलेशिया मत आइएगा। चाहे मेरे भी वीडियो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा भाई वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग मलेशिया मत आइए नहीं तो आप लोग भी फंस जाओगे। तो बस वही लोग SMS कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं और वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं जो कि मलेशिया का जानकारी नहीं लेकर आए हैं। मलेशिया में कोई भी भाई अभी आना चाहते हो तो इम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आप लोग आइएगा, ये विजिट वीज़ा पे अगर आप लोग आते हो तो आप लोगों के साथ भी ये सब हाल हो सकता है, ठीक है। मैं आप लोग साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ। बात करते हैं कि ये 15 तारीख से जो वीज़ा चालू होने वाला है इसके बारे में मैं क्यों वीडियो में नहीं बताया। देखिए दोस्तों, बहुत सारा भाई लोग वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे कि 15 तारीख से वीज़ा चालू होने वाला मलेशिया का, लेकिन मलेशिया का 15 तारीख से एक पेज पे अपलोड हुआ था एक न्यूज़ जिसमें लिखा गया था 15 से वीज़ा चालू होने वाला है, लेकिन इसमें भी अभी ऑफिशियल कहीं पर भी ऐसा जो मलेशिया का जो भी न्यूज वाला है ना, मलेशिया जैसे इंडिया के अंदर में जो भी न्यूज़ पेपर होता है, यहाँ पर मलेशिया में बहुत सारा न्यूज़ पेपर आता है या नेट पे भी मिल जाता है बहुत सारा न्यूज़, जिसमें ऑफिशियल कहीं से भी जो इमिग्रेशन की तरफ से ऐसा कोई न्यूज़ नहीं निकल के आया था जिसमें 15 तारीख से वीज़ा को चालू किया जा रहा है। हाँ, इसमें जो एक न्यूज़ जो निकल के आया था जिसमें 15 तारीख से बताया जा रहा था कि वीज़ा चालू होगा, उसमें ऐसा है कि मतलब जो लोग का पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है उन लोग का वीज़ा जाएगा, ऐसा ऐसा लिखा था उस न्यूज़ में, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था जिन जिन का पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था उनका वीज़ा जाएगा, और उसके बाद उसमें लिखा हुआ था कि वीज़ा रजिस्ट्रेशन होने में टाइम नहीं लगेगा, काफ़ी फास्ट तरीके से काम होगा, ऐसा करके उस न्यूज़ में लिखा हुआ था। लेकिन मैं इसीलिए उस पर वीडियो नहीं बनाया और आप लोगों को नहीं जानाया और आप लोगों को नहीं बताया ताकि देखिए वो कहीं ऑफिशियल न्यूज ऐसा कुछ निकल के नहीं आता, और उसमें साफ तौर पर भी नहीं लिखा गया था कि हाँ वीज़ा चालू हो गए, बस उसमें इस तरह से लिख दिया गया था, ऊपर में कुछ और टाइटल था, नीचे में कुछ और न्यूज़ था, तो इसीलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बनाया। और देखिए 15 से वीज़ा चालू हो जाएगा तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल न्यूज़ निकल के नहीं आया मलेशिया से। और काफ़ी सारे भाई मेरे वीडियो पे भी कमेंट कर रहे हैं जिनका वीज़ा अभी चला गया है, उन लोगों का टिकट नहीं हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे मलेशिया आने के लिए। तो देखिए जिनका वीज़ा चला गया है मलेशिया से पहले रजिस्ट्रेशन में, तो वीज़ा बहुत सारा भाई का जा रहा है, और जिनका वीज़ा चला गया है उन लोगों का टिकट नहीं हो रहा, काफ़ी सारा भाई मेरे वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग वीज़ा आपके हाथ में है और टिकट नहीं हो रहा है तो आप लोग अपना ऑफिस से कॉन्टेक्ट कीजिए, आपका जो ऑफिस वाला है लो ना उससे आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए और बोलिए कि भाई मेरा टिकट कराने के लिए। और रहा बात कि आप लोग घबराना नहीं है, क्योंकि पूरा गैंग का जब तक वीजा नहीं जाता है ना तब तक वहाँ से फ्लाइट के वो टिकट नहीं कराते हैं। आपका गैंग वाला में से आपका वीजा तो चला गया है, और ऐसे काफ़ी सारे भाई लोगों का वीजा भी नहीं गया होगा आपके गैंग का, मैं बता रहा हूँ जिस मतलब एक तरह मान लीजिए कि 30 आदमी का मलेशिया में रजिस्ट्रेशन हुआ वीज़ा के लिए, उसमें से आपका नंबर लग गया, आपका वीज़ा चला गया, मतलब आपके जैसे और 10 लोग का वीज़ा चला गया, लेकिन 20 लोग का वीज़ा अभी नहीं गया है, तो जैसे वो 20 लोग का वीज़ा जाएगा 30 लोग का वीज़ा हो जाएगा मिलाकर, तो मलेशिया का टिकट वो लोग करा देगा लोग, क्योंकि ऑफिस वाला लोग जब भी भेजते हैं ऐसा नहीं कि आपका वीज़ा चला गया बस तुरंतली अगला दिन आपका फ्लाइट हो जाएगा और एक आदमी को भेज दिया जाएगा मलेशिया के अंदर में, ऐसा नहीं होता है। आपका पूरा गैंग का एक बार में समूह बनाकर ही भेजा जाएगा, ठीक है। तो 20 आदमी 30 आदमी 50 आदमी 100 आदमी
पूरे पूरे फ्लाइट में ही एक ही कंपनी की कभी कभी फ्लाइट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, वीज़ा वैलिड है तो आपका टिकट हो जाएगा, आप मलेशिया में आ जाओगे, आप लोग को टेंशन नहीं करना है। तो यही सब कुछ न्यूज निकल गया था। और रहा बात कि आप लोग को डरना नहीं है मलेशिया के अंदर में कभी भी आना है, तो मलेशिया में वही लोग फंस रहे, उन लोगों के साथ दिक्कत हो रहा है जो कि मलेशिया में विजिट वीज़ा पे आए हैं और उन लोगों को कुछ पता नहीं था, और यहाँ पे आए हैं तो वही लोग बोल रहे हैं कि भाई मलेशिया में दिक्कत हो रहा है, मलेशिया में खाने को नहीं मिल रहा है, मलेशिया में सब हाल है। तो ऐसा नहीं है भाई, मैं मलेशिया में काफ़ी दिन से हूँ और यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग वर्क वीज़ा पे आते हो तो आप लोग कंपनी टाइम टू टाइम पेमेंट देगा, रहने के लिए रूम देगा, अगर कंपनी फूड अलाउंस करते तो आपको फूड दे देगा, मतलब खाना आपको देगा। रहा बात कि आपका जो भी ड्यूटी करोगे ना, जितना दिन आप लोग ड्यूटी करोगे उसका पेमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। बकायदा एक एग्रीमेंट होता है, जैसे मलेशिया में पलगा हुआ ना इंडिया से, मैं उस पर एक वीडियो बनाया था, फुल वीडियो, जिसमें मैं एग्रीमेंट पेपर को पढ़ के सुनाया था कि ये चीज़ को आप लोगों को सिग्नेचर करना है और उस कंपनी में लागू होता है, उसके खिलाफ ना आप कुछ कर सकते हो ना उसके खिलाफ कंपनी कुछ कर सकता है। तो एक ऐसा मलेशिया के अंदर में एग्रीमेंट पेपर भी बनता है अगर आप लोग मलेशिया में किसी भी कंपनी में वर्क वीज़ा पे आते हो काम करने के लिए, तो ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सबको मलेशिया की जानकारी वाला वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मलेशिया का जानकारी वाला वीडियो अपने चैनल पर बनाते रहता हूँ ताकि आप लोगों से कुछ जानकारियाँ मिले। तो मिलते किसी आने वाले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।